अरे वाह, दूर तक आपको ऐसे ऐसे घर मिलेंगे कि आप कहेंगे यार ऐसी भी जिंदगी। मैडम बोलेंगे लाइन घूमने गया इसे ठंडा नहीं हुआ। दुकान कैसे चलेगा ये? ओके, दो तीन चार पाँच ऑटा। कुछ लोग काम करने के लिए भी जाते हैं आज, पता है, नेपाल से इंडिया काम करने के लिए, कुछ घूमने के लिए इंडिया आते हैं ना, तो उसकी खुशी अलग होती है। हाँ दीदी, सही बात है ना। यार तुमको बड़ा मिस किया हमने यार नेपाल में। सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइस एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। तो गाइस कल रात को ही मैं काठमांडू से आ गया था भुटवल। तो यहाँ से करीब हमारा जो इंडिया का बॉर्डर है, सुनौली बॉर्डर पड़ता है, तकरीबन यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर होगा। तो अभी फटाफट यहाँ से हम आगे चलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ विलेज वगैरह हैं जो कि हम देखने वाले हैं कि भाई नेपाल के जो गाँवों में लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। बाकी अभी सुबह का मौसम है, सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी हल्की हल्की सुबह सुबह बारिश हुई थी, तो मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है। इंडिया में मौसम कैसा है ये बताइए। तो अभी फटाफट चल रहे हैं और अभी थोड़ा नाश्ता वगैरह भी करना है, क्योंकि कल हमें करीब 2 बज गया था यहाँ आने में, भुटवल आने में। तो उसके बाद फिर नाइट में हमने खाना भी नहीं खाया, सेज हो गए थे, फिर खाना मिला ही नहीं। तो अभी फटाफट चलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं या डायरेक्ट लंच ही कर लेते हैं। यार भूख बहुत तेज़ से लगी। हाँ भाई, भूख लगी है? हाँ भाई, बहुत तेज़ लगी। भूख लग रही फटाफट। तो अभी देखते हैं कोई अच्छा सा होटल या रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ खाना वाना खाते हैं। तो फाइनली गाइस यार भुटवल से हम निकले, लेकिन हमें कुछ इस तरीके से विलेज नहीं मिले जो हम आपको दिखा पाएं। मतलब लिटरली मैं भुटवल से, जैसे कि आप गोरखपुर बॉर्डर के लिए निकलेंगे ना, तो आपको इस तरीके से विलेज मिलने वाले हैं, जैसे कि आप कहेंगे यार काफ़ी डेवलप है ये एरिया। इस तरीके से आपको घर मिलने वाले हैं जो विलेज होते हैं, मतलब अच्छे खासे घर हैं। और यही अगर आप रक्सौल हो गया, जयनगर की बॉर्डर से जब क्रॉस करेंगे ना, तो आपको भाई करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर तक आपको ऐसे ऐसे घर मिलेंगे कि आप कहेंगे यार ऐसी भी ज़िंदगी है। लेकिन ये गोरखपुर वाले साइड ना काफ़ी अच्छी साइड है, यहाँ पे मतलब विलेज वगैरह इतना ज़्यादा डेवलप है ना कि आप कहेंगे यार बहुत ज़्यादा डेवलप है यार। ये देखो इस तरीके से घर है, घरों में एसी वगैरह भी लगी। देखो ये नेपाल की साइड है, तो इस तरीके से विलेज में घर मिलते हैं भाई। वो इस तरीके से घर दिखाई देंगे नेपाल के अंदर, तो मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि ये विलेज वाला एरिया है, तो विलेज के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। ये देखें ठीक ठाक है, मतलब देखिए ठीक नहीं, काफ़ी अच्छे हैं घर भाई। तो अभी गाइस भुटवल से चलकर हम आ चुके हैं सुनौली बॉर्डर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है सुनौली का बॉर्डर, यहाँ पे बहुत सारी कार वगैरह लगी हुई हैं जो कि बॉर्डर से, ये नेपाल की साइड में मैं खड़ा हूँ, और ये नेपाल से इंडिया के साइड के लिए यहाँ से ट्रक भी जा रहे हैं, बाइक कार भी जा रहे हैं, तो सारे लोग जा रहे हैं। तो मतलब यार भुटवल में मुझे कुछ विलेज वगैरह नहीं मिले जो मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि जो विलेज वाला एरिया है वो आपको जयनगर और रक्सौल से मिलेगा। तो इधर क्या है, ये गोरखपुर वाला साइड है, इसलिए पूरा डेवलप है। भुटवल तक आपको ऐसे ऐसे घर मिलेंगे कि क्या ही दिखाएं, उसमें विलेज थोड़ा होता है तो थोड़ा मज़ा आती है। बाकी अभी हम नेपाल से बाय बाय करने वाले हैं, और यहाँ से हम पार करेंगे सीधा सुनौली बॉर्डर। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लिखा है भारत आगमन आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आई एम टोटली एक्साइटेड। चलो भाई, ये देख रहे हैं ना आप, ये सब लोग भाई नेपाल से इंडिया के लिए जा रहे हैं। ये देखें, कुछ लोग काम करने के लिए भी जाते हैं आज, पता है, नेपाल से इंडिया काम करने के लिए, कुछ घूमने के लिए। ये भर भर के सुबह का टाइम है ना, तो ये बॉर्डर ओपन हो चुका है, तो सब लोग ये देखें ये जा रहे हैं इंडिया। तो चलो यार बॉर्डर पार करते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे। शायद आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे फोर्स लगी। तो फाइनली गाइस अभी नेपाल से हम आ चुके हैं सुनौली बॉर्डर वापस, और अभी मैं रख चुका हूँ इंडिया में कदम। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये देख सकते हैं, ये है इंडिया नेपाल का सुनौली वाला बॉर्डर। ये देखें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई, इधर से उधर लोग इधर से यहाँ से आ जा रहे हैं। देखो और ये जो भीड़ देख रहा हूँ इधर से ना, ये सारे लोग नेपाल से इंडिया के लिए आ रहे हैं। क्या यार गोरखपुर साइड में ज़्यादा चेकिंग होती है, आपका आधार कार्ड देखते हैं और उसके बाद आपका बैग वगैरह चेक नहीं करते, लेकिन हाँ आपका जो आधार कार्ड का नंबर होगा तो वो पूछते वगैरह भी, भाई कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो, ये सारा कुछ इधर से पूछते हैं। बाकी इधर रक्सौल जाओगे तो वहाँ से कोई पूछताछ कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये गोरखपुर वाले साइड में सुनौली बॉर्डर में पूछताछ होती है, क्योंकि थोड़ा ये क्या है डेवलप वाला एरिया, पूरा आपको ना इधर हाईवे मिल जाएगा, बस रास्ते में ना आपको भुटवल के आगे रास्ता बहुत ख़राब मिलता है, तो बस सोचना बाई रोड जाने के लिए। बाकी इधर देखो कुछ इस तरीके से मार्केट वगैरह है। यार कहीं भी घूम लो, लेकिन यार जब अपने इंडिया आते हैं ना, तो उसकी खुशी अलग होती है। हाँ दीदी, सही बात है ना। इंडिया में भाई कहीं भी घूमो, काठमांडू घूमा, लेकिन वो वाइब नहीं आती। लेकिन हाँ जब हम आप इंडिया में जैसे बॉर्डर में कदम रखते हैं ना, वो खुशी का जो एहसास है बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई अपने देश है, अपने देश में आ गए। ये देखो अपने देश में है, क्या चहल पहल रहती है, चाय पू ये हम लोग मिस कर रहे थे भाई, समझ रहे हैं। देखो कितना क्राउड है यहाँ पे, लेकिन यही नेपाल में एकदम सन्नाटा था, कुछ क्राउड नहीं मिल पा रहा था। लेकिन यहाँ आते साथ आप देखो मार्केट में चहल पहल है, लोग इधर उधर बिजी रहते हैं। ये सारा कुछ हमने मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। चलो अभी फटाफट हमारे पास पैसे बचे हुए हैं,
तो उसको हम एक्सचेंज करवाएंगे। कुछ हमारे पास 5 से 4 हज़ार नेपाली रुपए हमारे पास बचे हुए हैं, तो उनको एक्सचेंज करवाते हैं, देखते हैं कितना रुपए मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे सीधा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए। तो फाइनली जो पैसा बचा था उसको हमने एक्सचेंज करवा लिया, तो यहाँ से हमें एक कार मिल गई है। तो यहाँ पर अभी अपना सामान रख देते हैं। हाँ भाई चलो। कैसे हो भाई? बढ़िया यार, तुमको बड़ा मिस किया हमने यार नेपाल में। नेपाल में इंडिया के लोगों को बड़ा मिस किया हमने। चलो हम तो ना ना भाई यूपी के हैं भाई, यूपी के। चलो बैठो पीछे फटाफट, अपने को वीडियो बनाने का। भाई कैसे हैं? कैसे भाई? ठीक ठाक। और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मतलब आपका काम ही है ये? हाँ ही काम है। काम नहीं, काम तो और कुछ है, लेट किसी को छोड़ने आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, खाली जा रहे थे। अरे वाह वाह, मतलब मौके का फायदा उठा लिया। नहीं ऐसे करते हैं। चलो बढ़िया बढ़िया। मतलब भैया क्या काम है, यहाँ बॉर्डर में छोड़ने आते हैं, उसके बाद बॉर्डर से जो कोई आता है ना बॉर्डर से, तो इसको करके यहाँ से गोरखपुर रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। बस भैया ने पैसे ज्यादा ले लिया हमसे, 200 रुपए। नहीं नहीं, 200 रुपए कम नहीं ना भाई, 400 रुपए भाड़ा है। अरे भाई अगली बार भी मैं कुछ दिन पहले आया हूँ भाई। तो चलो फटाफट यहाँ से गोरखपुर रेलवे स्टेशन निकलते हैं, वहाँ से फिर अभी हमें एक को दिल्ली जाना पड़ेगा, एक को घर जाना पड़ेगा। चलो भाई चलो 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 चलो, बहुत घूम लिया भाई नेपाल में, अब इंडिया के रोड में चलने का मजा ही अलग होता है यार। हाँ बस अभी आप नेपाल गए हो? नहीं गए घूमने? कई बार आओ। सही में नेपाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम जैसे यहाँ है वैसा वहाँ ना भाई, ये बस बोलो यार, इंडिया इंडिया है भाई। इंडिया इंडिया है, समझ रहे? इंडिया में क्या कि आपको मतलब चहल पहल दिखेगी, वहाँ इतना चहल पहल नहीं है, मार्केट वगैरह भी सन्नाटा रहता है, लेकिन यहाँ जैसे आप आओगे यहाँ पे क्या है, थोड़ा पॉपुलेशन भी ज्यादा उसी हिसाब से थोड़ा। अब यार देखो अपना देश अपना देश होता है, जैसे आप कदम रखते ना तो लगता है यार बस सब कुछ मिल गया। वहाँ पे थोड़ा इनसिक्योरिटी रहती है कि यार कैसा क्या होगा, थोड़ा वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हर चीज प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ आते ही साथ सारे कष्ट दूर जाते हैं। बाकी ये देखो ये बसेस वगैरह भी चलते हैं यहाँ से गोरखपुर के लिए, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से बस भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा क्या बस थोड़ा लेट में ले जाएगी, और ये कार में क्या है हम जल्दी पहुंच जाएंगे गोरखपुर, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जैसे भी आप गोरखपुर से आओगे ना तो आपको बहुत सारे कार वाले मिलेंगे भैया, जिनसे आप आराम से इजीली 150-200 जैसे आप उनसे बात करो आप आराम से गोरखपुर। गोरखपुर हो गोरखपुर। फाइनली गाइस अभी बज रहा है रात के 9:30 और अभी मैं आज लखनऊ के बस स्टॉप पे। भाई साहब गोरखपुर से लखनऊ का पूरा जो सफ़र था मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि यार इतना ज़्यादा गर्दी थी ना भाई ट्रेनों में। तो अभी फ़िलहाल आ चुका हूँ लखनऊ पे, और अभी मेरे को यहाँ से करीब 120 किलोमीटर अपने घर के लिए जाना है। अब्दुल भी निकल गया वहाँ से दिल्ली के लिए, और शायद वो अभी लखनऊ नहीं पहुँचा, मेरे से पीछे था, क्योंकि उसकी डायरेक्ट जो थी दिल्ली की ट्रेन थी और मेरी थी लखनऊ के लिए। तो लखनऊ से अभी मेरे को जाना है यहाँ से अपने घर के लिए। तो देखो यार यहाँ पर बस खड़ी है, तो ये सारा लखनऊ का बस स्टॉप है जहाँ पे बसेस वगैरह खड़ी होती हैं। तो अभी लास्ट जो बस है वो 10 बजे चलेगी। हट जाओ हट जाओ। लास्ट जो बस है वो 10 बजे चलेगी, तो 10 बजने का इंतजार करते हैं। उसके बाद लगता है मुझे कि घर भाई 1 से 1.5 बजे घर पहुँचेंगे पक्का, 1 से 1.5 बजे हम घर पहुँचेंगे। तो फाइनली गाइस अभी घर के लिए निकल चुके हैं, कल रात काफ़ी हो गई थी, करीब 1:30 बज गया था मुझे घर आते आते। तो वहीं नानी के वहाँ मैं रुक गया था, तो मैंने कहा यार रात में कौन जाएगा, कौन घर वाले को परेशान करेगा। तो अभी पूरा दोपहर निकल गया, शाम के 5 बज रहे हैं, अब जाकर मैं घर जा रहा हूँ अपना। तो ये अपना दोस्त मुझे लेने के लिए आया। हाँ भाई काल चाल, कैसे कट रही? सब कट रही है यार तुम्हारे यार। तो बारिश वगैरह हो रही नहीं हो रही इधर यार? बारिश टाइम से हो रही है, टाइम से हो रही है। तो चलो यार फटाफट अभी घर निकल रहे हैं, और अभी बर्थडे तो समझ गया, चलो केक वगैरह भी ले लेते हैं, और उसके बाद बड़ा करीब 1 महीना 20 दिन के बाद मैं घर जा रही हूँ अपने। तो काफ़ी लंबा सफ़र हो गया भाई, तो चलो चलते हैं फटाफट, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि अभी मैंने घर में बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। हाँ भाई बड्डे तुम्हारा? हाँ। सही में झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं। तो हम जब भी तुम्हारे तुमको सरप्राइज देने के लिए। हाँ चलो हैप्पी बर्थडे। केक कहाँ है तुम्हारा? हाँ केक कौन लेके आएगा, हम लेके आएंगे कि तुम लेके आओगे? हम लेके आएंगे। वाह भाई वाह वाह, बर्थडे तुम्हारा, तुमको केक लाना पड़ेगा। अच्छा अभी क्या कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो क्या? दिखाओ क्या कर रहे हो। तो फाइनली आ गए हैं, और आज अरहम का बर्थडे है, तो आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? बर्थडे कितने साल के हो गए बाबू तुम? 5 साल के हो गए? अरे बाबा 5 साल का हो गया। तो अभी क्या कर रहे हो? ये होमवर्क लिख रहा है देखो ये, ठीक है, ये हैप्पी बर्थडे।
तो फाइनली गाइस आ चुके हैं अपने फतेहपुर और हमारे कुछ जो अजीज दोस्त हैं। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया हाल तुम्हारा भाई। याद किए देखते रहे प्रतिदिन वीडियो, जैसे भी नेपाल में काठमांडू में घूमे पूरा देख। यार तुम्हारे नेपाल गए थे यार, तुम मिलने नहीं आए। अब हम कहाँ मिलने, हमको बुलाया नहीं। बुलाया था यार, झूठ मत बोल। हम इस बार थे, आप उस बार। हाँ भाई कैसे हैं? पहली बार मिल रहे हैं भाई से यार। कैसे हैं? अच्छा, इनसे मिलो। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चकाचक। क्या खाने हैं भाई? मुर्गा की बिरयानी। एक रोल के ठेले में कर रहे हो, खाएंगे मुर्गे की बिरयानी सर। अरे यार, नाम बड़े दर्शन छोटे वाले यार। जो दांत होते हैं दिखाने के अलग, खाने के अलग, वैसे इनका। तो चलो फाइनली हर आ चुके हैं फतेहपुर और हमने कहा चलो अपने दोस्तों वगैरह से मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे ये लोग एक रोल वगैरह पैक करा रहे, तो मैं तो खाऊंगा नहीं। तो अभी चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। फाइनली अपने फतेहपुर आ चुके हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। बाकी अभी 6 से 7 दिन यहाँ फतेहपुर में रुकूंगा अपने घर पे, क्योंकि थोड़ा काम है मेरे को। दिन उसके बाद फिर नया ट्रिप पे निकलते हैं, फिर मचाते हैं फिर आग। सामने वाली खिड़की में एक चांद।